सो फ्रेंड्स, अगर आपको सोशल मीडिया पे एंजॉय करना अच्छा लगता है, सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यहाँ वहाँ हर जगह आपको स्क्रॉल करना अच्छा लगता है, तो ये जॉब आपके लिए वाकई बहुत शानदार होने वाला है। दोस्तों, आज के इस जॉब की जो खासियत है वो कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पाइसजेट में कुछ इस तरह की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपको इस बात के लिए अलाउ किया जाता है कि आप सोशल मीडिया पे जितना चाहें इंटरेक्ट करें, चेक करें, लेकिन बस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है क्या है, किस तरह से है, इसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल बात करेंगे वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल में ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। उसका फायदा यह होगा कि कोई भी वैकेंसी का अपडेट आप मिस नहीं करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख पा रहे हैं ये है पार्ट वन उस वीडियो का, क्योंकि दोस्तों एक साथ दो वैकेंसीज आ रखी हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हैं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ नहीं बना रहा हूं। इस वीडियो के तुरंत बाद मैं वो वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल फ्लाई एयर इंडिया पे जाकर आप दूसरे वीडियो को भी जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, स्पाइसजेट के जिस वैकेंसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं वो एक वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको हैं वो लेकर आपको चले जाना है डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए। अगर बात करें डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट की, तो जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो होगा सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव कस्टमर सर्विस। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ओनली ग्रेजुएट। अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं तो काम नहीं चलेगा, और कोई भी आपका स्ट्रीम हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम रोल में आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स का होना चाहिए। एज आपकी 18-27 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो प्लेस ऑफ वर्क होगा वो गुड़गांव होगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स की, क्योंकि अगर आप जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू के लिए तो वहां पर इसी से रिलेटेड आपको बातें या फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे कॉमन बात, गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी। पैसेंजर के साथ या कस्टमर के साथ अच्छी तरह से आप कम्यूट कर सकें, बात कर सकें, रिटेन या फिर वर्बल में। आपको जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनका वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्टिव ट्विटर हैंडल आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं तो दैट विल बी एन वो आपके लिए शायद कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है। आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव होने चाहिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के रिगार्डिंग आप काफी अच्छी तरह से नॉलेज रखते हो। विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट, आप किसी भी शिफ्ट में काम कर सके, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट में। और अब बात आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जॉब डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जितने भी क्वेरीज, जितने भी कंप्लेंट्स या जितने भी इश्यूज हों, आप उसे प्रोएक्टिवली अटेंड करें। आप उसको कंसर्न टीम को रेज करें और उसके सोल्यूशन के लिए फॉलो अप करें प्रोएक्टिवली। जो भी कस्टमर्स हैं या फिर स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें हर प्रॉब्लम या फिर हर क्वेरी के बारे में उन्हें अपडेट करते रहें। सबसे बड़ी बात, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या फिर बिजनेस की जो टीम है उनके सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखना होगा आपको। सोशल मीडिया साइट्स पे जितने भी क्वेरीज, कंप्लेन हैं, उसका स्पीडी सॉल्यूशन, स्पीडी रेजोल्यूशन के लिए आपको कोशिश करनी है या फिर आपको फॉलो अप करना है। तो दोस्तों, अगर आप इन सारी चीजों के लिए एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं, तो अभी जो आप देख पा रहे हैं वेन्यू स्पाइसजेट की बिल्डिंग गुड़गांव में, आपको यहां पर जाना है 9 to 10 AM और जो डेट है वो है 24th of February थर्सडे। अगर आप इसके लिए एलिजिबल इंटरेस्टेड हैं तो अपने अपडेटेड रिज्यूम और जो भी फोटोग्राफ्स हैं उसको लेकर एक प्रॉपर अटायर में रेडी होकर चले जाइए स्पाइसजेट के इस इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी के साथ। तो दोस्तों, जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी आपने समझा, उसे अच्छी तरह समझिए, अच्छी तरह जानिए, और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप चले जाइए इंटरव्यू के लिए, जो प्लेस मैंने बता रखा है और जो कि अभी वीडियो के स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, चैनल आपके काम का लग रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।